जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ जो थे केमिस्ट्री बायोलॉजी के टीचर थे डॉक्टर प्रशांत मेहता, वो भी अवेलेबल है आज हमारे साथ यहाँ पे, एज वेल एज रिधिमा जैन करके मैडम है हमारे पास हमारे साथ अवेलेबल आज, जो आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देंगे कि नीट के अंदर केमिस्ट्री के बारे में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए आपको। तो इट्स अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेबिनार एज वेल एज काउंसलिंग रिलेटेड ऑल्सो। थोड़ी देर के अंदर मिस्टर शिवम भी ज्वाइन हो जाएंगे अपने से, तो मिस्टर शिवम जो है आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आपके डाउट क्लियर करके देंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, मे बी शायद कुछ लोग नए होंगे इस टाइम पे इस वेबिनार के अंदर, कुछ लोग पुराने भी हो, तो धन्यवाद सबको आज मेरी ओर से। मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी बोला कि केमिस्ट्री के मैडम हमारे साथ अवेलेबल है रिधिमा जैन करके, और रिधिमा जैन मैम पिछले करीबन 7 साल से केमिस्ट्री का कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने को ज्वाइन करेंगे इन बिटवीन जब हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के बारे में रहेगा उस टाइम पे। डॉक्टर प्रशांत मेहता हमारे साथ अवेलेबल है जो कि बायोलॉजी के प्रोफेसर है, एंड मिस्टर शिवम है जो कि अपने जनरल काउंसिलर है यहाँ पे इंडिया लेवल के ऊपर। इंडिया लेवल का कुछ भी आपका एडमिशन के लिए कोई डाउट रहेगा तो वो आपको शॉर्ट आउट करके दे सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो इश्यू चल रहा है फिलहाल, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट को और तो उसकी वजह से जो अभी फिलहाल माहौल बना हुआ है कि हर एक स्कूल के अंदर छुट्टियां चल रही है, हर एक क्लासेस बंद है, बच्चों का जो भी प्रोवाइड हो रहा है कोचिंग वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हर एक के पास अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। जो छोटे इंस्टीट्यूट वाले के पास अगर आप कोचिंग लेने जा रहे होगे तो एंड मोमेंट पे उनके पास वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना भी हो सके, तो वहाँ पे बच्चों को अभी आज के डेट में दिक्कत आ रही है कि कोचिंग लेना है किधर से। इस साल जो 18 लाख बच्चे करीबन 17 से 18 लाख बच्चे करीबन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं जो कि बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं 12th साइंस के अंदर, और अगर हर साल की तरह हम लोग रेशियो अगर चेक करते हैं तो हर साल की तरह रेशियो जो अपना है इस बार वो सेम रहता है, अगर सिमिलर रहता है तो 50% बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं नीट के अंदर। दैट मीन्स कि 8 से 9 लाख बच्चे क्वालिफाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। कट ऑफ की अगर बात करें तो इस माहौल की वजह से मे बी शायद कट ऑफ डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। मे बी शायद जो 2018 का कट ऑफ था वो इस साल फिर से देखने को मिलेगा, जो कि 111 था जनरल कैटेगरी के लिए और करीबन 100 से बिलो था वो एससी एसटी ओपन कैटेगरी के लिए था। वो चांसेस इस बार है देखने को मिल सकता है फिर से, क्योंकि बच्चों के पास प्रिपरेशन करने का प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो कट ऑफ डाउन होने के चांसेस पूरे है वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा, ये तो अभी पता चलेगा अपने को ये 14 तारीख के बाद क्या डिक्लेरेशन होता है नीट की ओर से, क्योंकि होल टिकट अभी तक देना बाकी है, एज वेल एज सीबीएसई का एग्जाम भी बाकी है कुछ कुछ। वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन कर दिया हुआ है कि सीबीएसई के मेन सब्जेक्ट के ही एग्जाम लिए जाएंगे, तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ। तो कोविड की वजह से जो इश्यू चल रहा है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, और फिलहाल गवर्नमेंट भी वो कंडीशन में नहीं कि ओपन कर पाए इस चीज़ को, क्योंकि उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है अगर ओपन कर देते हैं इन बिटवीन कुछ होता है बड़ा सा इशू। क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग अगर पॉपुलेशन के सामने देखेंगे तो बहुत कंट्रोल में बोल सकते हैं इस चीज़ को अभी फिलहाल, दूसरी कंट्री की कंपेरिजन में, कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है लेकिन मरने की तादाद ज़्यादा है। जो मेन चीज़ रहेगी अभी जो रहता है, अभी आपको बच्चों को तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 12th के अंदर एग्जाम में आ रहे हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होने वाला है, तो खुद को सेहतमंद रखे, खुद को घर से बाहर ना निकलने दे, एज वेल उनके फैमिली मेम्बर को भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग भी संभाल के रहे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का भी लॉस होना बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि मे बी शायद गवर्नमेंट सपोज मई के एंड में या जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर एग्जाम का अनाउंस करते हैं, तो अभी टाइम बच्चों के पास बहुत कम रहने वाला है। और ये माहौल के अंदर ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कोई सिटी में जाके ट्रांसपोर्टेशन से जाके वहाँ पे कोचिंग भी ले पाओगे, मीन्स आपको विद इन अ सिटी शायद कोचिंग लेना पड़े या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़े, जो कि उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा बच्चों के लिए। लेकिन अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो वो ऑप्शन लेके भी चलना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला एडवाइस रहेगा बच्चों को और उनके फैमिली वालों को कि खुद को सेहतमंद रखें, खुद जो चीज़ें इनको अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सुरक्षित रखें। नीट के ऊपर हमने जैसे बोला कि नीट अभी पोस्टपोन हो चुका है ऑलरेडी, और डिले होने के चांसेस तो पूरे ही है, डिले तो हो ही चुका है ऑलरेडी, लेकिन कितना डिले होगा वो अपने को पता नहीं है। एज वेल एज बोर्ड के एग्जाम भी कई जगह पर डिले हो चुके हैं, वहाँ पर एग्जाम सीबीएसई के बाकी है, कुछ स्टेट बोर्ड के अंदर भी कुछ कुछ पेपर्स बाकी है, वो सब क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा, ये 14th के बाद अपने को पता चलेगा
दो दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद अपने को पूरा पिक्चर क्लियर होगा, शायद चांसेस लग रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते ये चीज को कुछ भी, कि हो भी सके कि ना भी हो सके, डिले भी हो सकता है 10 दिन। अभी जैसे मैंने बोला कि नीट की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, नीट की स्ट्रेटेजी अभी बच्चों के लिए एक ही है, सब्जेक्ट वाइज पहले तो हर एक टॉपिक को, सब टॉपिक को डिवाइड किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसका मार्किंग सिस्टम समझना जरूरी है आपको। जैसे लास्ट टाइम प्रशांत सर ने बताया था बायोलॉजी के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मार्क की क्या मेथड रहती है बायोलॉजी के अंदर, तो जिसका मार्किंग ज्यादा है उसको थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दे, जिसका मार्किंग कम है उसको प्रायोरिटी देना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको, लेकिन उसको कम प्रायोरिटी दे, लेकिन जो मेन टॉपिक है जिसके मार्किंग ज्यादा है उसको कभी भी वीक ना रखें आप अपनी ओर से। और जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है वो सब्जेक्ट पे तो आपको थोड़ा भी वीक नहीं करना है, मार्क्स जितने हो सकते हैं उतने अचीव करने को आपको ट्राई करना है। उसके लिए अलग अलग जो जो मॉड्यूल से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको यूज करने से छोड़ना नहीं है। मे बी आप बुक रीडिंग कर लो, ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोज देख लो, या फिर कोई ऐसे वेबिनार अटेंड कर लो जहाँ पे आपको कोई कोचिंग अवेलेबल हो सकता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके, या तो फिर कोई सीनियर स्टूडेंट रहता हो अगल बगल में उसका भी आप एडवाइस ले सकते हो। तो अभी आपके पास जो जो सोर्सेज अवेलेबल है वो सोर्सेज का टोटली यूटिलाइज करना है। दूसरा, घर के अंदर एक कमरे में बैठे बैठे आपको वहां पे बोरिंग फील हो सकता है पढ़ने के टाइम पे पूरा दिन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुक्स पढ़ के बैठे रहो। सी, एक चीज होती है जैसे वो कुलार की एक कहानी थी, ये अपना कौन कठियारे की कहानी थी अपने पुरानी, कि वो पेड़ काटता है लेकिन पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ को धार भी लगानी पड़ती है, तो आपको खुद को भी वहां पे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको भी थोड़ा रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा कि आपका ब्रेन वहां पे उतना इम्प्रूव हो पाए। अगर आप पूरे दिन पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेशन करते हो तो वो अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपके दिमाग को भी दीजिए। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही आपके दिमाग के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। इवन आपकी आंख को भी स्ट्रेस होता है एक कॉन्स्टेंट लेवल पे, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कुछ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई करो जितना टाइम है उसको यूज करो, मिसयूज मत करो। मिसयूज दैट मीन्स सोशल मीडिया को आप अवॉइड करो, यूट्यूब, ये जो अननोन जो गेम्स है मोबाइल के ऊपर या जो भी मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूटिलाइज होता है, कोई बच्चे गेम खेलने के अंदर बैठ जाते हैं वहां से फिर उनका 1 घंटे की जगह पे 4 घंटा भी चला जाता है, तो वो चीजों को आप अवॉइड करो। अभी हम लोग सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करेंगे। जैसे सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट मेन है आपके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर तीनों के मार्क्स जो डिवाइड है 90 मार्क्स है बायोलॉजी की है, जो कि मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 45-45 है। तो अभी केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से आपको आगे वर्कआउट करना है वो यहाँ पे मैम आपको बताएंगे। रिधिमा मैम, हेलो मैम। हेलो। यस मैम, मैं जस्ट आपका स्लाइड यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। So, hello everyone. Good afternoon to all connected here. I hope all of you are safe home and I wish good health for you all. So, I am Rudhima Jain, a chemistry tutor. Today, we will be discussing about the preparation strategy of chemistry for NEET exam. So, I hope you all are ready. So, we will start once the slide gets connected. Yes, ma'am. Everything sorted? Yes, yes, ma'am. Okay. So, पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब में से इजीएस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर नीट एग्जाम की बात की जाए तो बायोलॉजी जो है वो आपका मेन कोर सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर से 90 मार्क्स की वेटेज, 90 क्वेश्चंस आने हैं, सो दैट्स द कोर सब्जेक्ट। एंड कंपेयरिंग बिटवीन केमिस्ट्री और फिजिक्स, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि केमिस्ट्री उनमें से काफी इजी रहता है। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए, देन बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देन बायोलॉजी अटेम्प्ट इसलिए करनी है क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, एंड देन गो फॉर फिजिक्स। तो ऐसा होता है कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, जो हर क्वेश्चन, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स, तो टोटल कंप्राइज कितना हो जाता है 180 मार्क्स का। आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए प्लस 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर।
तो टोटल ऑल इन ऑल देयर आर 45 क्वेश्चंस. अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो ऑर्गेनिक फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में से 15 15 15 क्वेश्चन ईच. पर हर बार ऐसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. जैसे ऑर्गेनिक से थोड़ा ज्यादा आ गया या फिजिकल से थोड़ा ज्यादा आ गया, उधर इनऑर्गेनिक से कम हो गया. पर तीनों को कंबाइन करके हमेशा 45 क्वेश्चंस ही रहते हैं. ठीक है, वो हम आगे देखते हैं. मैंने एक प्रिपरेशन थोड़ा सा तैयार किया है लास्ट के कुछ इयर्स का, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से थोड़ा चलता है. तो अगर हम देखें, मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बेसिकली क्लास 11 एंड क्लास 12. जैसे कि आप सबको पता है कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपके नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है. तो क्लास 11 एंड क्लास 12 के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 11th की होती है उसमें से 11 क्वेश्चंस आते हैं जो 44 मार्क्स के होते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री जो 12th क्लास की होती है उसमें से 8 क्वेश्चंस आते हैं जो 32 मार्क्स के होते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने जो देखा है, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कि बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है. पर आप लोगों को उससे डरना नहीं है, क्योंकि इनके एक बार अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको एक बार ही फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो 100% आपका आंसर ठीक ही होगा. क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर सपोज आपका आंसर 32 आ रहा है तो वो 32 ही होगा. इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. अगर ऑप्शन आपको मिल गया तो वो ठीक ही है. इसलिए आपको इससे डर के छोड़ना नहीं है, आपको ये करना है. देन वी विल सी अबाउट इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक 11th क्लास के अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं 32 मार्क्स के. 12th क्लास के इनऑर्गेनिक के अंदर 7 क्वेश्चंस आते हैं 28 मार्क्स के. जो इनऑर्गेनिक है इनके अंदर बहुत कम चैप्टर्स होते हैं जिनसे मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है. मैं आपको आगे उन चैप्टर्स की लिस्ट भी दूंगी. तो बहुत कम पढ़ के बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं. उसके बाद देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की, उसके 4 क्वेश्चंस आते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की, उससे 7 क्वेश्चंस आते हैं जो कि टोटल बनाते हैं हमारा 28 मार्क्स का. तो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए जो हमारी 11th क्लास होती है उससे जितनी भी केमिस्ट्री हमें करनी है उसका टोटल बनेगा 92 मार्क्स का. एंड जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उससे टोटल बनता है 88 मार्क्स का. ये एक हल्का सा रफ एस्टिमेशन है जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर चल रहे हैं उनके बेसिस पे. ऐसा नहीं होगा कि ये हार्ड एंड फास्ट है, ऐसा ही होगा. और ऐसा भी नहीं होगा कि इसमें से बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होगी. सो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम हमारे टोटल देखा जाए 11th क्लास के अंदर से टोटल 92 मार्क्स का आता है एंड 12th क्लास में से 88 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हमें चैप्टर्स, किन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, किन को थोड़ा छोड़ सकते हैं और किन को हमें थोड़ा सा मतलब बाद में देखेंगे कि करना भी है या नहीं. मैंने इस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डू और डाई, यानी कि आपको ये करने ही हैं, आपको नीट के एग्जाम में बैठने से पहले इनको करना ही है. शुड डू, अगर ये करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आपको शुड डू वाले करने हैं. एंड देन जो डिपेंड्स ऑन टाइम है इनमें से मतलब थोड़े बहुत कर लो, नहीं करने आपकी मर्जी है. जो हमारे डू और डाई है ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट इस बेसिस पे किया है कि जो क्वेश्चंस हमारे पास जिन चैप्टर्स में से 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन मतलब हर पेपर के अंदर कम से कम भी 12 से 15 नंबर का पेपर आया हुआ है एक एक चैप्टर में से. तो आपको पता है कि इनको करे बिना तो आप बैठ ही नहीं सकते पेपर के अंदर. तो और शुड डू की जो कैटेगरी है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं. और जो डिपेंड्स ऑन टाइम वाली कैटेगरी है उसके अंदर से मतलब कभी ऐसा रहता है कि आ गया, कभी ऐसा रहता है कि नहीं आया. तो कोई फिक्स नहीं रहता कि आना ही आना है. तो हम देखते हैं डू और डाई. जो डू और डाई के मैंने चैप्टर्स लिखे हैं इस स्लाइड के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आता है. तो पहले डिस्कस करते हैं हमारा केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं. और 2015 में तो ऐसा हुआ था कि इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन आ गए थे. कुड यू इमेजिन, एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आ गए, तो वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आपको ये छोड़ना ही नहीं है और बहुत इजी भी रहता है ये चैप्टर. उसके बाद आगे देखते हैं हम हमारा इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार देखे जाते हैं. फिर आता है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
जो हमारा जर्नलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखने में तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा एल्केन्स, एल्कीन्स, ये सारे जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इंक्लूड कर देते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे हमारा हाइड्रोकार्बन्स, फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें से भी 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके अंदर हमारी सारी रिएक्शंस, अल्केन्स, अल्कीन्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। फिर डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन तो उसमें से 3 से ज्यादा कभी नहीं आए, लेकिन वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसमें से आपको कुछ मतलब सिर्फ 5-7 पेजेस पढ़ने से आपको 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेवरेट चैप्टर होता है सबका, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, किसी भी फील्ड में देख लो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है चैप्टर। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, जो ये चैप्टर है ना, ये बिल्कुल बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है ना उसके बिल्कुल पीछे के चैप्टर्स है, 14, 15 एंड 16। तो मैं ये नहीं कह रही इनमें से एक 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 या इनका टोटल अगर हम करें, मतलब इंक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, इनको सबको ऐड करके आपको कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और इसके लिए सबसे खास बात पता है क्या है, इसके लिए सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कोई भी बुक का कोई का जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही वो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे देखते हैं हमारी शुड डू कैटेगरी, इसके अंदर फर्स्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली फिजिक्स का भी पार्ट है। पहले तो इसके अंदर से अगर मैं 2015 से पहले की बात करूं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, तो ये डू और डाई कैटेगरी में होता था, लेकिन अब इसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है तो फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आने लग गया है। तो मिला के अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखूं तो अभी भी इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एस ब्लॉक, इसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशंस आता है इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन, फिर काइनेटिक्स आता है 1 से 2 क्वेश्चन, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है 2 से 3 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट डू और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको मैंने शुड डू वाली कैटेगरी में डाला है, डू और डाई में नहीं डाला, कि कभी कभी होता है आ जाते हैं, कभी कभी होता है नहीं आते। उसके बाद रहता है फिनोल्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर एमीन्स, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले डू और डाई करना है, इनके अंदर से ये सारे चैप्टर्स कवर करके फिर आपको शुड डू वाली कैटेगरी पे आना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है इन सबको परफेक्टली प्रिपेयर करने के बाद, फिर आपको आना है हमारी डिपेंड ऑन टाइम कैटेगरी पे। इसके अंदर से डिपेंडेंट रहता है कि कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कि हम देखते हैं मोल कंसेप्ट, ये जो हमारा मोल कंसेप्ट है ना, ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मोल कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है ये आपसे वो बाकी की आपकी इनऑर्गेनिक में देख लेते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आता है इस पे। पीरियोडिक टेबल ऐसे ही, पीरियोडिक टेबल जो है, अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आपने सभी कर लिया, तो पीरियोडिक टेबल बचा क्या? तो फिर इसमें से भी अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन में से भी कम आता है, अगर बच्चों की किस्मत अच्छी होती है तो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर बहुत आसान है। फिर आता है एनवायरमेंट केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी, इनमें से भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपने यहां से ये देखा कि आपको सबसे पहले हमारे ये कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं जिनमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें से भी मैंने कुछ 6 चैप्टर सिलेक्ट करे हैं जिनके हर बार के
ऊपर मैंने थोड़ा सा देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. टॉपिक बताऊंगी मैं आपको यही बोलूंगी कि आप पेपर पेन लेके उनको नोट कर लें कि इनऑर्गेनिक की बात करी जाए, डू और डाई को मैं दोबारा उठा रही हूँ. डू और डाई कैटेगरी के अंदर जो इनऑर्गेनिक के मैंने चैप्टर बोले वो थे केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक. केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्वेश्चन बेसिकली कहां से आ रहा है इतने सालों से, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ज्योमेट्री पूछ लेते हैं. और उसके बाद पी ब्लॉक में से कहां से आ रहा है, पी ब्लॉक अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका क्लास 11th वाला नहीं, उसमें तो कुछ था ही नहीं, क्लास 12th वाला पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर वो आपके सारे ग्रुप थे, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो आपको ये सारे ग्रुप पढ़ने हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप. ये तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, ये तो आपको करने ही हैं. फिर ऑर्गेनिक अगर देखें, हमारी ऑर्गेनिक के अंदर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने डाला था डू और डाई में. इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहते हैं आईयूपीएसी नेम्स. ये करने बहुत आसान है, एक बार आपको जब ट्रिक पता चल गई, मेथड और रूल पता चल गया, तो आप कोई भी कंपाउंड आ जाए उसका नाम लिख सकते हैं. फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्वेश्चन काफी ज्यादा देखा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वही सब आ गए आपके जो हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, इंडक्शन इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन आता है. फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आइसोमर से क्वेश्चन जरूर आता है. फिर ऑर्गेनिक में हमने एक और टॉपिक डाला था डू और डाई में, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. इनके अंदर से नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार आपको 3-4 नेम रिएक्शन देखने को पक्का मिलती है. फिर अगर हम फिजिकल की बात करें, इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत, इक्विलिब्रियम तो समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका यूजुअली आता है ली चार्टलेट प्रिंसिपल्स है, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है उसके अंदर आपसे पीएच कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, वीक एसिड एंड सॉल्ट की पीएच कैलकुलेशन निकलवा के देखते हैं. फिर आगे होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक है मेन जहां से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस. यहां से जो क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बेसिकली आपको ये बता दिया कि डू और डाई चैप्टर्स कौन से हैं, और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि उन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. ठीक है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने पहले ही बोला आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर्स रहते हैं, तो आपको ये करने हैं. तो आगे देखते हैं हम, आगे जो हमारा आएगा, हमें ये देखना है कि हमने देख तो लिया कि हमें चैप्टर्स पढ़ने कौन कौन से हैं, लेकिन ये पढ़ने कहां से हैं ये भी देखते हैं. सबसे पहले आपको जो बुक्स प्रेफर करनी है वो होगी हमारी एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से मोस्टली पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, सिर्फ नीट का ही नहीं, हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टफ से टफ, इजी से इजी, आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है. तो आपको एनसीईआरटी तो आपके टिप्स पे होनी ही चाहिए. उसके बाद हर एक नीट प्रिपरेशन के बच्चे के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम भी पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर्स हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ नीट के ही नहीं जेई के क्वेश्चंस भी उसमें होने चाहिए. तो क्या होता है कभी कभी जेई से उठा के नीट में डाल देंगे, नीट से उठा के जेई में डाल देंगे. तो अगर आपने सारे 10 साल के क्वेश्चन पेपर किए हुए हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते हैं जो पिछले साल के आपकी आंखों से देखे हुए क्वेश्चन होते हैं. फिर हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है आपको. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको देखनी है, थ्योरी के लिए बेसिकली बता रही हूँ, बुक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सोलोमन एंड फ्राहिल. ये बुक बहुत अच्छी है. इसके अंदर पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद रेफर करनी है आपको ये बुक. जो कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में, ये मैं मानती हूँ कि बहुत छोटा छोटा दिया होता है, इतने इलस्ट्रेशंस, इतने एग्जांपल्स नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में दिया होता है एनसीईआरटी में, तो वो कवर करने के बाद आपको इस बुक को प्रेफर करना है. और फिर जब आपका सारी थ्योरी हो गई उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए जो ऑर्गेनिक की बुक लेनी है वो है एमएस चौहान की. मैं यहाँ पे किसी भी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रही, बेसिकली ये वो बुक्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी. उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडिली, वेरी ऑसम बुक, बहुत ही बढ़िया बुक है. इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा. जेडिली से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पेपर्स में आते हैं, इसमें जेई में भी और नीट में भी. उसके बाद देखते हैं
आगे इसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक जो आपने लेनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो है हमारी वीके जायसवाल, ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको लेनी है फिजिकल केमिस्ट्री बाय एबिंग एंड गैमोन, ये बुक बहुत बढ़िया, इसके अंदर इतनी सारी इलस्ट्रेशन है कि एग्जाम्पल्स के साथ ही बच्चों को चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है। और इसकी जो हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक है वो है आरसी मुखर्जी, फिजिकल केमिस्ट्री बाय आरसी मुखर्जी, ये हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक है। आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट फर्स्ट मैंने नेम लिखे हैं बुक के, ये हमारी थ्योरी बुक्स हैं, और जो सेकंड सेकंड लिखे हैं ये हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक्स हैं। तो उसके बाद आपको बेसिकली बुक्स का पता चल गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आपको बेसिकली सारी बुक्स का पता चल गया कौन सी फॉलो करनी है, सारे चैप्टर्स का पता चल गया आपको कौन से फॉलो करने हैं। तो मेरी बेसिकली इस पैनिक की सिचुएशन में COVID-19 की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जैसे मिस्टर राहुल पटेल ने कहा कि आप लोग अपनी कोचिंग्स को डिले कर चुके हैं, आप नहीं जा सकते, इसमें आपकी गलती नहीं है, किसी और की गलती नहीं है, यही सिचुएशन है, और जो आपके साथ हो रहा है यही सभी के साथ हो रहा है। तो आपके आपके दिमाग में इसको लेके पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इस चीज को यूटिलाइज कीजिए, आप घर पे अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी को सामने वाले की सेल्फ स्टडी से बेटर बना दीजिए, ताकि आपका रैंक उनसे ऊपर हो जाए। तो मेरी बेसिकली आपके लिए यही टिप्स रहेंगी कि आपको एनसीईआरटी बुक को कम से कम भी 4 से 5 बार रीड करना है, उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि हर बार आपको वही बुक नहीं रीड करनी, एक बार रीड करो, दो बार रीड करो, 3 बार रीड करो, उसके बाद शॉर्ट नोट आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए कि पेपर के टाइम पे बस उनको पलटाया तो आपका काम हो गया। बस हर चैप्टर आपका मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटल सिचुएशन हमारी ऐसी है कि अगर हमें कम पेजेस दिखते हैं पढ़ने के लिए, ये हमारी साइकोलॉजी है कि कम पेजेस मतलब छोटा चैप्टर, बल्कि ऐसा नहीं है, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी सबकी साइकोलॉजी ऐसी है कि कम पेजेस मतलब छोटा चैप्टर, छोटा चैप्टर मतलब मुझे ये करना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स 2 पेजेस के अंदर हर चैप्टर के खत्म कर लेने हैं। उसके बाद जैसे सिचुएशन आजकल है ही है कि आप नहीं जा सकते बाहर कोचिंग के लिए, तो आपको अब यही खुद ही सर्च करना है आपके पास क्या क्या सोर्सेज हैं। तो उसके अंदर से यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, मैं 100% एग्री करूंगी मिस्टर राहुल पटेल से, उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब की वीडियोस देखिए टफ टॉपिक्स के लिए, तो वो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए मेरा खुद का चैनल है साइंस ऑन फिंगर टिप्स, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसके अंदर क्लास 12th नीट एंड जेई के लिए वीडियोस डालने खुद शुरू किए हैं इन अ डिटेल्ड मैनर। मैंने ये इनिशिएटिव लिया ही COVID-19 की वजह से जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसके लिए ही लिया है, ताकि बच्चों की घर पे बैठे हुए भी प्रिपरेशन चल सके, बच्चों को दिक्कत ना आए। तो मेरे चैनल का नाम साइंस ऑन फिंगर टिप्स है, सॉलिड स्टेट की सारी सीरीज इसमें मैं डाल चुकी हूँ, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बाकी चीजों के साथ। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा अगर हो पाया तो, फिर और आपको हर स्लाइड के नीचे भी दिख रहा होगा। उसके बाद आपको आपने नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको चैप्टर प्रिपेयर हो गया, लेकिन अब आप एनालाइज कैसे करोगे, अब आप खुद टेस्ट तो दे ही नहीं पा रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो आपको खुद से ही हर टॉपिक के 100 questions try करने हैं। You have to try 100 questions of each and every topic. और आपको basically उसमें time limit का भी ध्यान रखना है और अपनी correct ये भी check करना है कि कितने percent correction है आपके पास, मतलब आपका जो आप solve कर रहे हो कितने questions correct हैं और कितने percent कितने questions incorrect हैं। तो आपको वो भी अपना increase करना है, आपको negative marking से बचना है, क्योंकि आपको पता है कि +4 मिलता है हमें करेक्ट आंसर के लिए और -1 होता है हमारा इनकरेक्ट के लिए। तो अगर आपने एक इनकरेक्ट किया तो अपने मार्क्स तो उसके गए और वो आपके एक करेक्ट वाले के भी मार्क्स लेके साथ में जाता है, तो आपको अपने नेगेटिव से बचना है, यही बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और सबसे बड़ी बात पता है, आप कभी भी यहां से छोड़ नहीं सकते हो, यू कांट लीव एनी टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के काफी सारे टॉपिक कनेक्टेड है। तो फिर आप अगर यहाँ पे एक छोड़ोगे तो आपका वहां पे फिजिक्स का भी कट हो जाता है वो टॉपिक, तो आपको ये करना ही है। और आपको 10 ईयर, लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगी ये, आपको 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं नीट के, एम्स के और जेई मेंस के, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो विद दिस आई वुड से कि आप लोग अच्छे से रहो, प्रिपेयर करो,
एंड टफ जो आपके पास इस ये टफ टाइम है इससे हमें साथ में मिलके निकलना है, और लेकिन अपनी स्टडीज को इससे इफेक्ट मत होने दो. तो टफ टॉपिक्स के लिए यू कैन फॉलो माय चैनल साइंस ऑन फिंगर टिप्स, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन मेल मी ऑन ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा मेल एड्रेस, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय आईजी अकाउंट केमिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स. इस पे अगर आप ज्वाइन करेंगे आप यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी, और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगी, और आपको बहुत इजी वे में पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ये सब टॉपिक्स जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इन पे आपको बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस भी मिलेंगे. माय आईजी फैमिली इज मोर देन 5K, सो यू कैन ऑल्सो बी द मेंबर देयर. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स एंड चीजें क्लियर जो आपको नहीं पता थी वो क्लियर हो गई होंगी. सो विद दिस थैंक यू वेरी मच मैम. मैडम ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया केमिस्ट्री के बारे में, सब्जेक्ट एज वेल एज टॉपिक के रिगार्डिंग भी आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत यूजफुल हो सकता है. और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स भी मौजूद है ये वेबिनार के अंदर, तो कई बार क्या होता है पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये चीज पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है यहाँ पे कि पेरेंट्स भी बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं ये चीज के बेस पे कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है. कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है बच्चा अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहा होता है, उसको भी नॉलेज नहीं होता है ये चीज का कई बार, तो ये चीज की बेस पे पेरेंट्स भी बच्चे को गाइड कर सकते हैं. और हमारे ये वेबिनार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि वेबिनार रिकॉर्डेड है, मीन्स जैसे ये वेबिनार कम्प्लीट होगा विद इन 1 or 2 days आपको ये वेबिनार का ऑनलाइन वर्जन हमारी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा. हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके जो सोफ्टामो के नाम से आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे जाके आपको वीडियो वहां पे देखने को मिलेगा, सिमिलर यही वीडियो जो अभी डिस्कस हो रहा है सभी चीज आपको फिर से रिपीट देखती है. आप कहीं पे मिस हो गए हो सपोज आपके किसी दोस्त को आपको शेयर करना है आप कर पाओगे, तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है, जैसे मैडम ने बताया कि सब्जेक्ट को आपको मैन्युअली खुद से छोटा करना पड़ेगा. कोई चैप्टर आपका 50 पेज का है तो ऐसा नहीं कि 50 के 50 पेज बार बार रिपीटली आप पढ़ोगे. 10 साल के जो क्वेश्चन बैंक है उसके बेस पे आप वो सब्जेक्ट को जितना होता है उतना कम करने को ट्राई कीजिए, तो एंड ऑफ द डे जब आपको रिवीजन करना होगा एग्जाम से पहले पहले तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ पे. कई बार क्या होता है 100 पेज का बुक होता है लेकिन उसके अंदर काम के सिर्फ 10 पत्ते ही होते हैं आपके, और वही चीज आपके लिए मेन प्लस पॉइंट होता है. आप जितना छोटा करके फिर उसको जितना फिल्ट्रेशन करोगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, तो फिल्ट्रेशन करना जरूरी है हर एक चीज को. तो जैसे जैसे आप फिल्ट्रेशन करते जाओगे आपको आइडिया आता जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको रेफरेंस बुक जरूरी है. तो अभी ये बंद के माहौल में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको रेफरेंस बुक हर एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जितना भी पुराना मटेरियल मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए. और आपका जो टाइम है उसको पहले मैंने जैसे बताया कि मेंटल एक्सरसाइज फिजिकल जितनी एक्सरसाइज जरूरी है उतना मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है. तो कई बार क्या होता है पढ़ाई कर रहे होते हैं आंखें आपकी सूज जाती है रात को नींद नहीं आई प्रॉपरली, कई बार आपको स्पैक्स लगे हुए तो आंखें दर्द करने लगती है, तो उस टाइम पे आईज की भी एक्सरसाइज जरूरी है. वो हर एक चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेगी इस टाइम पे, क्योंकि एक बंद कमरे में बैठ के पूरा दिन 24 घंटे आप वहाँ पे बुक के सामने टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको वहाँ पे अव्वल नंबर नहीं आने वाले, उल्टा आपका वहाँ पे मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाएगा और वो नेगेटिव इफेक्ट भी कई बार. अब हम लोग जो बात करेंगे तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम से पहले हम लोग जब बी ग्रुप लेके बैठे हैं कई बार हमको नॉलेज नहीं होता है कि इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम क्या है. यहाँ पे पहले तो हम लोग समझेंगे कि पहले क्या था सिस्टम और अभी क्या फिलहाल चेंजेस है, क्योंकि आप जब किसी से एडवाइस लेने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हो किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो, वो 2 या 3 साल पहले जब कर चुका होता है उस टाइम का सिनारियो पूरा अलग था और अभी का सिनारियो पूरा अलग है जो कि आपको पता नहीं होता है. तो वो सिनारियो आपको सबसे पहले समझना जरूरी है. तो सबसे पहले हम लोग को इंडिया की मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को समझना जरूरी है कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इंडिया का क्या है. तो पहले हम लोग बात करेंगे 2019 से पहले. 2018 में एक चेंज आया था, 2019 में आया था, 2020 में बहुत बड़ा लेवल का चेंज आ गया है, तो वो चेंजेस को समझना जरूरी है. तो 2019 से पहले क्या सिनारियो था वो पहले बात करेंगे. 2019 से पहले अगर बी ग्रुप आपने लिया है आप नीट के अंदर क्वालिफाइड होते हो तो आप इंडिया के अंदर एडमिशन लेते थे या तो फिर अब्रॉड में लेते थे. ये सिनारियो था पहले, जो बच्चे को इंडिया में नहीं मिल रहा था और उसका बजट नहीं था वो इंडिया की जगह पे अब्रॉड में जाता था
या तो फिर दूसरे कोई अदर कोर्सेज में जाता था। जो नीट नॉन क्वालिफाइड था उसके लिए तो एक ही रास्ता उस टाइम पे अवेलेबल था अब्रॉड एमबीबीएस का या तो फिर अदर कोर्सेज। इंडिया के अंदर जो था बच्चा वो एमबीबीएस क्लियर कर लेता था एंड जो अब्रॉड का बच्चा था वो एमबीबीएस दोनों क्लियर कर लेते थे। इंडिया वाले बच्चे को सीधा इंटर्नशिप मिल जाता था लेकिन अब्रॉड वाले बच्चे को वहाँ पे एफएमजी की एग्जाम देनी पड़ती थी। एफएमजी दैट मींस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जो बच्चे फॉरेन से आते थे उनको कोई भी कंट्री का बच्चा होता था उसको क्वालिफाइड करना जरूरी था। तो वो एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही वो आगे इंटर्नशिप कर पाता था। ये पहले का सिनारियो था 2019 में। उसके बाद वो नीट पीजी देता था। नीट पीजी हर एक बच्चा इंडिया का है कि अब्रॉड का है। एक बार उसने एफएमजी क्लियर कर लिया उसका एमसीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद इंडिया का बच्चा है कि अब्रॉड का बच्चा है दोनों को इक्वली काउंट किया जाता है। उसके बाद सब लोग एक साथ नीट पीजी के एग्जाम में बैठते थे। नीट पीजी के एग्जाम प्रिपेयर करने के बाद वो पीजी कंप्लीट करते थे। पीजी कंप्लीट करने के बाद अगर उनको आगे सुपर स्पेशलिटी करना है जो कि सर्जन डॉक्टर हम लोग बोल रहे हैं वहाँ पे तो नीट एसेस कर रहे थे। नीट एसेस के बाद सर्जन डॉक्टर बन जाते थे। ये पहले का सिनारियो था। अभी 2019 के बाद का जो सिनारियो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी क्या हो रहा है नीट क्वालिफाइड हुआ बच्चा या तो इंडिया में एडमिशन लेगा या तो अब्रॉड में लेगा। यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड वाला आपको ब्लॉक दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए अभी कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। उनके लिए एक ही रास्ता है अदर कोर्सेज इन द अदर कंट्रीज लाइक यूएसए ऑस्ट्रेलिया कैनेडा वहाँ पे दूसरे कोई प्रोग्राम है हेल्थ केयर के है बायोमेडिसिन है या फिर फार्मेसी ऐसे कोई कोर्स लेके वहाँ पे चले गए तो चले गए। ये ऑप्शन अदर है। दूसरे भी उसके अलावा ऑप्शन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिनारियो हो गया कि दोनों लोग यहाँ पे इंडिया रिटर्न आते थे एमबीबीएस क्लियर करके इंडियन डॉक्टर होता था या अब्रॉड का होता था। दोनों का एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एग्जाम आती थी नीट एग्जिट। अभी जो आएगी 2022 से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है कि नीट एग्जिट वन उनको पहले क्वालिफाइड करना पड़ेगा इंडिया का बच्चा होगा कि अब्रॉड का होगा। इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है इंडिया की प्राइवेट में पढ़ रहा है कि अब्रॉड के अंदर दूसरे को विदेश में कोई भी कंट्री में पढ़ाई कर रहा है उसको नीट एग्जिट वन क्वालिफाइड करना पड़ेगा। नीट एग्जिट कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करेगा। इंटर्नशिप के बाद नीट एग्जिट टू प्रिपरेशन होगा। वो नीट एग्जिट टू जो है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा जिसके अंदर पेशेंट रहेंगे वो पेशेंट को उनको कंप्लीटली ट्रीट करना है। ये एक टाइप का यूएसएमएलई वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जाए इंडिया वाले जैसा यूएसएमएलई या यूके प्लेब के अंदर जो सिस्टम है वही सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो इसके अंदर पेशेंट को एक कैबिन में रखा जाएगा जो पेशेंट को जाके वो लोग ट्रीट करेंगे कैसे कर रहे हैं कैसे उसका डेटा गैदर कर रहे हैं वो सब चीज़ें उस पर कैलकुलेट होगी। तो ये एग्जिट टू जो रहेगा बेस्ड ऑन द इंटर्नशिप रहेगा। वो एग्जिट टू करने के बाद अगर वो क्वालिफाइड हो जाते तो पीजी में एडमिशन मिलेगा। अगर फिर पास हो रहा है तो उसको एमबीबीएस का लाइसेंस मिल जाएगा। ये सिनारी हो जाएगा। उसके बाद नीट एसएस आएगा उसके बाद सर्जन डॉक्टर बन जाएगा। अगर जो नीट क्वालिफाइड नहीं हो रहा है तो उसके लिए अदर कोर्सेज अदर ऑप्शन ही उसको सोचने पड़ेंगे। कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई आप यूएस के अंदर एमबीबीएस कर लो आपको इंडिया आके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या तो आप यूके के अंदर एमबीबीएस कर लो आपको इंडिया आके कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोग। वहाँ पे आपको फंसने के चांसेस है आपके साल बर्बाद करेंगे आपके पैसे बर्बाद करेंगे। तो ऐसे चक्करों से बचे रहने की आपको खास जरूरत है। सी प्रलोभन पूरे मार्केट से हर कोई इंडिया के अंदर इतनी आबादी के बीच में इतने कंसल्टेंट लोग हैं कि हर कोई आपको कोई ना कोई प्रलोभन देगा। अभी कई लोग ऐसा भी देंगे कि आप अभी से एडमिशन का सीट बुक कर लीजिए अब्रॉड के अंदर या इंडिया के अंदर तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा बाद में आपको सीट नहीं मिलेगा। ऐसी कोई भी लालच में आने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर है कि अब्रॉड के अंदर है अभी सब जगह पे लॉकडाउन चल रहा है कहीं पे भी कोई यूनिवर्सिटी काम एक्टिविटी नहीं कर रही। तो ऐसी चीजों से बचे रहना जरूरी है। आपको मैंने आपको बताया वो नीट एग्जिट अभी एक फ्यूचर ऑफ द इंडियन मेडिसिन में बोल सकता हूँ उसको। फ्यूचर ऑफ द इंडियन मेडिसिन क्यों है क्योंकि पहले इंडिया के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट में जो जा रहा है वो बच्चा तो क्वालिफाइड था उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन जो प्राइवेट में जा रहा है वो पैसे के जोर पे जा रहा था। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसने एडमिशन ले लिया प्राइवेट में बच्चा बाहर निकल गया वो मेडिकल की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो कोई फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं था। अभी एंट्री गेट एग्जिट गेट इंडिया के लिए अब्रॉड के लिए सब जगह के लिए कॉमन हो चुका है। आप 25 लाख रुपए अब्रॉड में खर्च कर रहे हो कि इंडिया के अंदर 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख खर्च कर रहे हो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है।
दूसरी बात, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो मेडिसिन के अदर ऑप्शन जो अवेलेबल है उसको भी खुद से रिसर्च करना आपको जरूरी है, वो रिसर्च करने के बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। अदर ऑप्शन लाइक BAMS या BHMS, कोई मेरे को पूछता है BAMS अच्छा है कि BHMS अच्छा है, तो BAMS को मैं अवॉइड करने को इसलिए बोलता हूँ कि BAMS का फॉरेन कंट्री के अंदर डिग्री का वैल्यूएशन जीरो है, वहां पे उसका क्रेडिट काउंट नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वैलिड है, इंडियन आयुर्वेदा का जो मेडिसिन है वो इंडिया में ही अवेलेबल है। जैसे चाइना का है तो चाइना का ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो चाइना के अंदर ही वहां पे बिलोंग करता है, चाइना के बाहर कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई अलाउ भी नहीं करता उसको। वैसे ही सिमिलर चीज इंडियन आयुर्वेदा है, वो इंडिया के अंदर ही वैलिड माना जाता है, इंडिया के बाहर वैलिड नहीं है। तो अगर आयुर्वेदा आप सिलेक्ट कर रहे हो तो इन फ्यूचर इंडिया के बाहर जाने का आप सोच रहे हो तो वहां पे जाके आपकी डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाता है। होम्योपैथिक को एज ए बैचलर डिग्री काउंट किया जाता है, एज ए हेल्थ केयर डिग्री काउंट किया जाता है। तो अगर आयुर्वेदा और होम्योपैथिक को आपको चूज करने की जरूरत पड़ती है तो होम्योपैथिक को पहला प्रेफरेंस दीजिएगा, बजट में भी सस्ता पड़ता है और आयुर्वेदा से बेटर भी। अभी जो है इन्फॉर्मेशन मिस्टर शिवम है हमारे साथ, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग का काम करते हैं यहाँ पे इंडिया में काफी सालों से, तो उनके पास से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन काउंसिलिंग की रिगार्डिंग। और आपको कोई डाउट भी रहेगा इंडियन काउंसिलिंग के रिगार्डिंग, आपको कोई क्वेश्चन भी रहेगा तो वो यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट करके दे देंगे। मिस्टर शिवम आर यू ऑनलाइन? जी सर। ओके, तो शिवम सर आप जरा इनको अभी पेरेंट्स और स्टूडेंट है यहाँ पे ऑनलाइन, उनको आप थोड़ा गाइड कर लीजिए कि कट ऑफ होने के चांसेस क्या हो सकते हैं अप्रोक्स, और स्लाइड बाय स्लाइड जो जाते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे आप उनका डाउट क्लियर करते जाइएगा, बाद में जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए दो काउंसलिंग होता है, जैसे आपका नीट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, नीट के एग्जाम के बाद वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो है दो काउंसलिंग हो, एक आपका सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग होता है, दूसरा आपका खुद का स्टेट लेवल का काउंसलिंग होता है। सेंट्रल लेवल वाली जो काउंसलिंग होती है वो MCC करवाती है, कंडक्ट करवाती है, वो ऑनलाइन करवाती है। इसके अलावा जो है वो हर एक बच्चों के पास में ऑप्शन होता है कि वो स्टेट काउंसलिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा गुजरात का है तो वो स्टेट ऑल इंडिया काउंसलिंग कर सकता है प्लस स्टेट का भी काउंसलिंग कर सकता है। अब बच्चों का डाउट होता है कि वो गुजरात से हैं तो वो क्या महाराष्ट्र का काउंसलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर्नाटका का काउंसलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र और या कर्नाटक जो है वो दूसरे स्टेट वाले बच्चों को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोज महाराष्ट्र दूसरे स्टेट के बच्चों को काउंसलिंग के लिए अलाउ कर रहा है स्टेट काउंसलिंग पे तो वो कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना स्टेट टू स्टेट जो है वो अलग अलग पॉलिसी होता है। ठीक है, अभी दूसरा जो है वो बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हम कहाँ पर ट्राई करें? तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको सिर्फ दो केसेस पे मिल सकता है। एक सबसे पहला ऑल इंडिया कोटा पे जो अगर हम ट्राई करते हैं तो वहां पे मिल सकता है, दूसरा मेरे खुद के स्टेट पे मिल सकता है जहां पर हम डोमिसाइल है। सपोज अगर हम गुजरात से हैं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिल सकता है या तो फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल सकता है। अगर मेरा मार्क्स अगर अच्छा भी है तो भी हम जो है वो महाराष्ट्र में या कर्नाटका में या उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी जो है वो हम गवर्नमेंट सीट के लिए वहां के स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू नहीं जा सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग जो है वो वहां पर जितने भी गवर्नमेंट सीट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट के बच्चों के लिए अलाउड होते हैं। अगर आपको दूसरे स्टेट पे जाना है तो वहां पर आपके पास में जो ऑप्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस का होता है। तो ये बहुत बड़ा आपके पास में डाउट होता है बच्चों को कि अगर मेरे को गवर्नमेंट पे जाना है तो कहाँ पर जाए। तो गवर्नमेंट में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होता है, पहला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और दूसरा जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अपने स्टेट में जहां पर आप डोमिसाइल है। अभी अब हम लोग कट ऑफ का देखते हैं कि कट ऑफ क्या होता है, कि एक एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या होता है ऑल इंडिया कोटा का। तो ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होता है उसमें जनरल कैटेगरी 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 584 के आसपास कट ऑफ था जनरल और ओबीसी का, दोनों का। जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस बार जो है वो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 582 मार्क्स था टोटल, और एससी एसटी का अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास कट ऑफ था। और अगर स्टेट काउंसलिंग का अगर हम लोग आते हैं तो स्टेट पे अप्रोक्सीमेटली 20
मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि 480 पे अगर सपोज यूपी का अगर हम लोग देखते हैं तो यूपी में जो है वो स्टेट काउंसलिंग पे जो कट ऑफ गया था वो इट वाज 562, तो लगभग 10-15 नंबर या 20 नंबर का जो है वो डिफरेंस आता है स्टेट काउंसलिंग पे और ऑल इंडिया काउंसलिंग पे। और जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 1-2 नंबर का। जनरल और ओबीसी में अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम अगर डिफरेंस आता है तो वो 5 नंबर का डिफरेंस आता है ये। और इस बार जो हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा कम होना चाहिए, 10-15 नंबर के आसपास कट ऑफ कम होना चाहिए, मिनिमम इतना तो कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है या जो भी है, तो वो कट ऑफ इस साल 560 अगर हम लोग पकड़ते हैं ऑन एन एवरेज अगर स्टेट काउंसलिंग का, तो 545 या 550 के आसपास हमारा कट ऑफ होना चाहिए इस बार। लेट्स सी कितना होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ये कॉलेजेस एंड टोटल सीट्स, देखिए इंडिया में जो है वो सबसे पहले 3 तरीके के कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसका अंडरटेकिंग एंड सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्राइवेट में क्या होता है कि उसका जो अंडरटेकिंग है इट इज बाय द प्राइवेट, बट उसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है लाइक फीस कितना होगा, सिलेबस कौन सा फॉलो होगा, उसमें कैसे एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सिर्फ उसका डिफरेंस क्या होता है, ओनरशिप जो होता है वो प्राइवेट प्राइवेट बॉडी का होता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिसका ओनरशिप ओनरशिप के अलावा वहां पर सिलेबस और वहां पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन वो लोग खुद से कंडक्ट करते हैं, सब कुछ जो है वो सारा का सारा जो है इट इज डन बाय द डीम यूनिवर्सिटी। उनका एडमिशन प्रोसेस और एंड एवरीथिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय देम ओनली। तो ये प्राइवेट और डीम्ड में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी ये जो टोटल कॉलेजेस अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया का अगर देखते हैं तो इट इज 79,000 सम सीट्स, अप्रोक्सीमेटली 79,000 टोटल सीट्स है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारा का मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 79,000 एमबीबीएस सीट्स है इंडिया में, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 42,000 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, रिमेनिंग जो भी सीट्स है जैसे कि आपका प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी का मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 38,000 सीट्स है वो। नेक्स्ट स्लाइड सर। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का अगर फीस का अगर हम लोग देखते हैं तो फीस जो है वो इट इज अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट का जो फीस होता है समवेयर इट इज अप्रोक्सीमेटली 5,000 से लेकर मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 60-70,000 के आसपास फीस होता है। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस का देखते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लाइक हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है दे डिसाइड कि उसके स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका फीस कितना होगा। लाइक सपोज अगर कर्नाटका की बात करते हैं तो जैसे रमैया हो गया या आपका आदि चुनचुनगिरी हो गया या जितने भी कॉलेजेस हैं इनका जो जो प्राइवेट कॉलेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो है फीस इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट जो है वो वैरी करता है। सबसे कम फीस जो होता है वो कर्नाटका में है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 लाख पर ईयर कर्नाटका में है, छत्तीसगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख पर ईयर है, यूपी वगैरह अगर हम लोग देखते हैं तो यूपी में फीस इज अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के आसपास पर ईयर फीस है, 11 लाख से कहीं पर 13 लाख से किसी कॉलेज का, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट फीस होता है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है इट रेंजेस फ्रॉम 8 लाख टू अप्रोक्सीमेटली 18 लाख या 19 लाख जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लेकिन वही अगर हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो सबसे लोवेस्ट जो फीस है लास्ट ईयर का था हमारे पास में वो जामिया हमदर्द वगैरह का था, उसमें अप्रोक्सीमेटली 11 लाख पर ईयर फीस था, 11 लाख पर ईयर से लेकर वहां पे 25-26 लाख जैसे डीवाई पाटिल मुंबई वगैरह हो गया तो इनमें अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पर ईयर फीस जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस होता है। तो ये वैरी करता है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से लेकर 25 लाख पर ईयर फीस का।
एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ काउंसलिंग सर, देखिए अभी नीट का वो कब एग्जाम होता है, हम लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15th of June तक मोस्ट प्रोबेबली, अगर सारी सिचुएशन सही हुई तो 15th of June तक जो हो जाना चाहिए एग्जामिनेशन, अगर वो हो जाता है तो जुलाई एंड तक जो है हमारा काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो जुलाई अगस्त और सितंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा वो पूरा, अगर चीजें सही रही तो। What if a student does not get his or her desired college? अगर इसके पास में, अगर हमारे पास में बहुत सारे options होते हैं कि अभी देखिए क्या है कि बच्चों का जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो 550 या 560 marks लाएंगे, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, 10% या 20% ही बच्चे जो है वो इतना marks लेकर आएंगे, remaining जितने भी बच्चे हैं उनका marks कम आएगा, तो उनका प्रायोरिटी जो है उसके बेसिस पे जो है वो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हम लोग यही देते हैं कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं तो वही करिए, क्योंकि क्या है कि एक डिग्री का वैल्यू होता है, अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं तो भी जो है आपको जो डिग्री मिलता है इट इज ऑफ एमबीबीएस एंड इट इज वर्थ इन इंडिया, अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन इसके अगर है कि भाई हम नहीं जा सकते हैं बाहर पे तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारे पास में ऑप्शन आता है आयुष कोर्सेज का। आयुष कोर्सेज में जो है वो 5 कोर्सेज आते हैं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो जिसमें से अगर आयुष कोर्सेज पे देखा जाए ये सारे जो है वो डॉक्टर्स कोर्सेज है, ये नीट के थ्रू ही होगा और अगर नीट क्वालिफाई करेंगे तभी जो है आपको होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो डिमांडेड कोर्स है वो आपका आयुर्वेदा है अभी, क्योंकि आयुर्वेदा में अभी क्या है कि इसमें जनरल प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं प्लस थोड़ा जो है वो सर्जरी का जो पार्ट्स होता है वो भी करवाते हैं, जबकि होम्योपैथी में अगर देखा जाए तो होम्योपैथी में सर्जरी या ये सब का स्कोप नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में क्या होता है कि लाइक अगर लड़की है तो हम लोग उसको उसमें पीजी ब्रांचेस होते हैं लाइक गायनेकोलॉजी हो गया या आपका पेडियाट्रिक्स हो गया चाइल्ड वगैरह के लिए, तो इसके लिए आयुर्वेदा का भी स्कोप अभी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज, तो इसलिए जो है वो आयुर्वेदा हम लोग प्रेफर करते हैं। और इसके बाद फिर अगर हमारे पास में ऑप्शन होता है फिजियोथेरेपी लाइक आपका फार्मेसी हो गया या नर्सिंग हो गया, या अगर मानकर चलिए कि आप अलाइड साइंस अलाइड हेल्थ कोर्सेज होते हैं जो डायरेक्टली आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं लेकिन क्या है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन द मेडिकल थिंग, लाइक सपोज आप अगर आंख चेकअप करवाने के लिए जाते हो तो द पावर एंड अदर थिंग्स दे आर नॉट चेक्ड बाय द डॉक्टर्स, वहां पर वो कौन चेक करते हैं, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं तो वो चेक करते हैं, तो दीज आर काइंड ऑफ अलाइड साइंस कोर्सेज जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं इन देयर प्रोसेस। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका अभी अब डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक आपका ओटी टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, या आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, या रेनल डायलिसिस हो गया, तो दीज आर द न्यू कोर्सेज जिसका आज के डेट में डिमांड। किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो ये नंबर हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने 7227048 7303222882, ये नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा मेल आईडी भी दिया हुआ है नीचे info@softamo.org, वहां पे जाके आप मेल भी कर सकते हैं या तो फिर नेक्स्ट वेबिनार के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, एज वेल एज सोफ्टामो का खुद का यूट्यूब चैनल है सोफ्टामो करके, वहां पे आपको हर एक वीडियोस अपडेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। एक चीज शायद शिवम सर अभी हम लोग ऐड करना भूल गए इनको कि नीट का कुछ सर्कुलर आया 2 दिन पहले अभी रिगार्डिंग द एडिटिंग इन द नीट फॉर्म आई थिंक। जी जी जी, वो एग्जामिनेशन सेंटर का जो है वो हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा यहाँ पे। सर वो सर्कुलर ऐसा है कि सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब कोटा वगैरह में पढ़ाई कर रहे होंगे और उनके दिमाग में होगा कि हम जो है वो यहीं पे रह के यहीं से एग्जामिनेशन दे देंगे, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन एंड अदर थिंग्स तो वो क्या हुआ होगा कि वो घर चले गए होंगे या समथिंग जो भी है वो आउट ऑफ दैट स्टेट से जो है वो अपने दूसरे नेटिव पे चले गए होंगे या कहीं पे भी चले गए होंगे, तो दे कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन कि हम लोग जो है वो सेंटर चेंज का ऑप्शन डाल सकते हैं, ये
14th ऑफ अप्रैल तक जो है वो ऑप्शन चेंज का जो है वो अवेलेबल है। ओके, मींस वो कहीं का भी प्लेस डाल सकता है, स्कूल राजस्थान की रहेगी लेकिन वो बैंगलोर प्लेस करना चाहता है सिलेक्ट, तो वो कर सकता है। हाँ नहीं, ये बेसिकली उनके लिए है कि जैसे कि कोई कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते कहीं और पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाल दिए होते हैं कि हम जो है वो कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है हम कोटा डाल देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द अनफोर्सीन कंडीशन ये COVID-19 की वजह से वो लोग अपने घर चले गए होंगे और उनके पेरेंट्स सपोज अलाउ नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे आने का, या सपोज कब होगा ये एग्जामिनेशन भी कब होगा दैट इज ऑल्सो नॉट सीन, तो वो अपने जो है वो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।